नमस्कार दोस्तों, नितवी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज अपन करेंगे जो अपना टॉपिक चल रहा था अनुपात समानुपात, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपन बात कर लेते हैं। ये जो आपका बैच है ये स्पेशल रूप से आरपीएफ एसआई और कॉन्स्टेबल का बैच है। इस बैच के अंदर अपन प्रत्येक टॉपिक को बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। साथ साथ में जो आपके पीछे एग्ज़ाम्स हुई है उन एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन आए हैं उनको भी साथ साथ में सोल्व करते चलेंगे, जिससे आपको पता चलेगा किस प्रकार से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं और कैसे उनको इजी तरीके से कम समय में सोल्व किया जाता है। अपना मेन टारगेट रहेगा इस बैच के अंदर बेसिक पे अपन सभी टॉपिक को क्या करेंगे, बेसिक से करेंगे। बात समझ में आ गई? और साथ साथ में जिन क्वेश्चनों में शॉर्ट ट्रिक लगाने की आवश्यकता रहेगी उन क्वेश्चनों को अपन शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सोल्व करेंगे। तो आज अपन क्वेश्चन करेंगे जो सिक्कों के क्वेश्चन आते हैं, तो ये क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या दिया है, एक बैग में 150 सिक्के हैं। एक बैग है उसके अंदर कितने 150 सिक्के हैं, जो 25 पैसे 50 पैसे और 1 रुपए के हैं। एक बैग है उसके अंदर कितने सिक्के हैं, 150 सिक्के हैं। सिक्के किस के हैं, देखो 25 पैसे के हैं, 50 पैसे के हैं और 1 रुपए के हैं। सिक्कों का जो अनुपात दे रखा है वो आपको अनुपात दे रखा है 5:2:3 है। तो 50 पैसे के जो सिक्के हैं उनकी संख्या आपसे पूछी है। बात समझ में आ गई? एक बैग है, दोबारा देखो क्वेश्चन को क्या दिया है। देखो काफ़ी बार इस प्रकार के इजी क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई भी लॉजिक नहीं, बिल्कुल सीधा क्वेश्चन। बात समझ में आ गई? लेकिन अपने क्या सभी टाइप के क्वेश्चन सोल्व करेंगे जिससे एग्ज़ाम में आपके किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आए। क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, एक बैग है उसके अंदर 150 सिक्के हैं। इन सिक्कों में किस किस के सिक्के हैं, देखो 25 पैसे के सिक्के हैं, 50 पैसे के और 1 रुपए के सिक्के हैं। और इनका जो अनुपात दे रखा है वो अनुपात दे रखा है आपको 5:2:3। तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं इस बैग के अंदर, ये आपसे पूछा है। ऑप्शन की अपन बात करें, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका 20 सिक्के। ऑप्शन बी की बात करें तो 30 सिक्के। ऑप्शन सी की बात करें तो 40 और ऑप्शन डी की बात करें तो कितने 60 सिक्के। तो चलो आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो, काफ़ी बार इस प्रकार के इजी क्वेश्चन है वो भी आपको एग्ज़ाम में आ जाते हैं। बात समझ में आ गई? तो चलो सोल्व करते हैं। एक बैग है उसके अंदर पैसे देखो किसके हैं, 25 पैसे के सिक्के हैं इसके अंदर और 50 पैसे के भी हैं और इसके अंदर 1 रुपये के भी हैं। तीन प्रकार के सिक्के हैं बैग के अंदर। टोटल कुल कितने सिक्के हैं ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, कुल कितने सिक्के हैं, कुल सिक्के हैं 150 हैं। अब जो इनका अनुपात है वो आपको क्वेश्चन में दे रखा है, इनका अनुपात 50 पैसे कितना है, 5:2:3। ये क्या है, अनुपात में आपको सिक्कों की जो संख्या वो दे रखी है। तो कुल सिक्के कितने हो जाएंगे, तो अपने क्या है इनको ऐड कर लेंगे। तो कुल अनुपात कितना हो जाएगा बताओ मेरे को, कुल अनुपात कितना हो जाएगा, सिक्कों का अनुपात कितना हो जाएगा। कुल अनुपात हो गया आपका 5+2+3 बराबर कितने हो गए, 10 हो गए। कुल जो सिक्के हैं इनका अनुपात किया अपन ने, 5 2 7 और 7 3 कितने हो गए, 10। तो कुल जो सिक्के हैं वो कितने हो गए, 10 हो गए। बात समझ में आ गई? सिक्कों का अनुपात कितना हो गया, 10 हो गया। और क्वेश्चन में आपको दे रखे हैं कितने, 150 सिक्के। तो 10 के बराबर अपन क्या रखेंगे, 150। तो 10 बराबर मैंने क्या रखा, 150 रखा। एक का मान कितना आ जाएगा, एक बराबर देखो जीरो से क्या हो गया, जीरो कैंसिल हो गया, एक बराबर बराबर क्या हो गया, 15। तो एक अनुपात का मान कितना आ गया, 15 आ गया। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। यहाँ देखो सिक्के और लिख लो कितने सिक्के हैं। तो 50 पैसे कितने सिक्के हैं, 50 पैसे का अनुपात कितना है, 2 है। अनुपात आपको क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। एक अनुपात का मान आपको कितना दे रखा है, 15। तो 2 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, आप 15 से गुणा करो, 15 को गुणा किया 2 से तो कितना हो जाएगा, 30। तो कितने सिक्के हो गए, 50 पैसे के 30 सिक्के हो गए। बात समझ में आ गई? देखो बिल्कुल इजी टाइप का क्वेश्चन है। एक बार दोबारा देखो क्वेश्चन में क्या दिया है और किस प्रकार से इसको सोल्व करेंगे। दे रखा है एक बैग है उसके अंदर 150 सिक्के हैं, सिक्के 25 पैसे के हैं, 50 पैसे के हैं और 1 रुपए के। इन सिक्कों का जो अनुपात है वो आपको दे रखा है 5:2:3। इन ये जो सिक्के हैं इनका अनुपात दे रखा है आपको 5:2:3। तो आपको क्वेश्चन में आगे पूछा है जो 50 पैसे के सिक्के हैं उनकी संख्या कितनी है। बात समझ में आ गई?
तो देखो किस प्रकार से अपन सोल्व करेंगे। जो सिक्कों का अनुपात दे रखा है सबसे पहले वो लिखेंगे अपन, 25 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के और 1 रुपए के सिक्के, इनका अनुपात दे रखा है आपको 5:2:3। तो इस अनुपात में अपन ने लिख लिया जो क्वेश्चन में आपको दे रखा है। अब जो अनुपात दे रखा है इसका अपन योग करेंगे, योग इसका कितना आ गया 10 आ गया, 5 + 2 + 3 बराबर कितना हो गया 10 हो गया। अब जो आपको जो अनुपात है इनका योग कितना आया 10 आया, और सिक्कों की जो संख्या दे रखी है वो कितनी दे रखी है 150, तो 10 अनुपात बराबर कितना हो गया 150 हो गया, 1 अनुपात का मान कितना आ गया आपके पास 15 आ गया। बात समझ में आ गई। तो जो 50 पैसे हैं उनको उनके सिक्कों का अनुपात कितना है 2 है, 1 अनुपात का मान कितना है अगर 15 है तो 2 का कितना हो जाएगा 15 को गुणा करेंगे अपन 2 से तो कितने हो गए 30 हो गए। आ गई बात समझ में। तो जो 50 पैसे के सिक्के हैं वो कितने हो जाएंगे 30 हो जाएंगे। तो देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसमें आपको कोई भी लॉजिक नहीं लगाना, सीधा सीधा क्वेश्चन है। काफ़ी बार ऐसे इजी क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ जाते हैं। बात समझ में आ गई। तो चलो बेसिक सा क्वेश्चन था, इसको नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ेंगे। देखो ये बैच है, ये आपको YouTube पे बिल्कुल फ्री बैच करवाया जाएगा और कंप्लीट आपसे आपको कोर्स करवाया जाएगा। बात समझ में आ गई। और ये बैच कंप्लीट होने के बाद में अपन क्या करेंगे, टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस और भी अच्छी हो जाएगी। बात समझ में आ गई। तो चलो इसको करो नोट डाउन फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दें और जो अपने मित्र हैं उनको भी शेयर कर दें। चलो तो करो इसको नोट डाउन। चलो भाई अगला क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो। अगला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन पढ़ो और सोल्व करने की कोशिश करो। जिस प्रकार से अपने पिछला क्वेश्चन सोल्व किया था उसी टाइप का एक क्वेश्चन है। इसमें भी आपको क्या दे रखा है, एक बैग है उसके अंदर सिक्कों की संख्या दे रखी है और जो सिक्कों का अनुपात दे रखा है, और इसमें से क्या है 25 पैसे के सिक्के कितने, ये आपसे पूछा है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो एक बैग के अंदर 132 सिक्के हैं, एक बैग है उसके अंदर कितने 132 सिक्के हैं, जो 25 पैसे 50 पैसे हैं वो 1 रुपये के, एक बैग है उसके अंदर कितने सिक्के हैं 132 सिक्के हैं, और सिक्के हैं वो किस किस के हैं, देखो 25 पैसे के सिक्के हैं, 50 पैसे के और 1 रुपये के। सिक्कों का जो अनुपात दे रखा है वो आपको दे रखा है 5:4:2 हो तो 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे। आप ये भी सीधा सीधा क्वेश्चन है, जिस प्रकार से आपने पिछला क्वेश्चन सोल्व किया था बिल्कुल इसी टाइप से सोल्व हो जाएगा। तो चलो आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो और आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। जो आपका आंसर आ रहा है वो कमेंट में लिखो भाई। ऑप्शन की अपन बात करें, ऑप्शन ए हो जाएगा, अपन बात कर लेते हैं ऑप्शन की। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका 44। ऑप्शन बी की बात करें तो हो जाएगा आपका 50। ऑप्शन सी की बात करें और ऑप्शन डी की बात करें तो बताओ देखिए कौन सा ऑप्शन राइट है। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। 25 पैसे के सिक्के हैं बैग के अंदर, 50 पैसे के सिक्के हैं और 1 रुपये के, और किसके हैं 1 रुपये के। अब देखो क्या दे रखा है, इनका अनुपात आपको दे रखा है 5:4:2, और जो सिक्के हैं उनकी कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या की अपन बात करें तो कुल संख्या कितनी है 132 है। सिक्कों की जो कुल संख्या दे रखी है वो कितनी दे रखी है आपको 132। तो जो अनुपात दे रखा है अनुपात का योग कितना हो जाएगा, अनुपातों का योग कितना हो जाएगा, अनुपातों के योग की बात करें तो कितना हो जाएगा बताओ मेरे को, 5 + 4 + 2 बराबर कितने हो गए 11 हो गए, कितने हो गए 11। जो अनुपात दे रखा है इसका अपने योग किया, कुछ नहीं किया, योग कितना है 11 आया, योग यहाँ पे अपने कितना 11 है, और जो कुल सिक्कों की संख्या है, सिक्कों जो सिक्के हैं उनकी संख्याओं का योग कितना है 132 है। तो 11 के बराबर रखेंगे अपन क्या 132 को, 11 के बराबर अपने क्या रखा है 132 को, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 बराबर क्या हो जाएगा 132 के अंदर भाग देंगे 11 का, 11 का भाग 13 में कितनी बार गया, 1 बार गया और शेष कितने बच गए 2 बच गए, तो कितने हो गए 22, 22 के अंदर कितनी बार भाग गया 2 बार, तो 1 अनुपात का मान आपके पास क्या हो गया 12 हो गया। बात समझ में आ गई, 1 अनुपात का मान कितना हो गया 12। अब आपको क्या पूछा वो देखो, देखें आपको दे रखा है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या,
तो 25 पैसे उनका अनुपात कितना है, 5 है। अगर एक का एक अनुपात का मान कितना है, 12 है, तो 5 अनुपातों का मान कितना हो जाएगा, 12 को गुणा करेंगे 5 से, तो 12 पंजे कितने हो गए, 60। तो जो 25 पैसे के सिक्के हैं उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। बात समझ में आ गई। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है, सी सही है। बात समझ में आ गई। एक बार क्वेश्चन को दोबारा देखो, क्या दिया है, एक जो बैग है उसके अंदर सिक्कों की संख्या दे रखी है कितनी, 132 है, और जो सिक्के हैं वो 25 पैसे के, 50 पैसे के और 1 रुपए के हैं। जो सिक्कों का अनुपात दे रखा है आपको 5:4:2 है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या आपसे पूछी है। तो अपन ने क्या देखा, 25 पैसे के सिक्के यहाँ पे, 50 पैसे के और यहाँ पे 1 रुपए के सिक्के, इनका जो अनुपात दे रखा वही अपन ने यहाँ पे लिखा 5:4:2। अब जो कुल संख्यों जो सिक्के दे रखे हैं उनकी सिक्कों की संख्या कितनी है, 132 है। तो अपन ने क्या किया, अनुपातों का योग किया, अनुपातों का योग कितना आ गया, 11 आ गया। 5+4+2 बराबर क्या हो गया, 11। तो 11 के बराबर अपन ने क्या रखा, 132 है। तो एक का मान कितना जाएगा आपके पास, 12 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। एक अनुपात का मान कितना आ गया, 12। आपको पूछा 25 पैसे की संख्या, तो 25 पैसे के जो अनुपात है उससे क्या कर देंगे, गुणा। एक अनुपात का मान कितना है, अगर 12 है तो 5 अनुपातों का मान कितना हो जाएगा, 12 को गुणा करेंगे 5 से, तो 12 पंजे कितने हो गए, 60 है। तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन आपका सी सही है। बात समझ में आ गई। तो जो 25 पैसे के सिक्के हैं उनकी संख्या कितनी है, 60 है। बात समझ में आ गई होगी, तो चलो करो नोट डाउन। और अगर आपसे पूछ लिया जाए, जैसे ये तो आ गए 25 पैसे के, अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो किस प्रकार से सोल्व करोगे बताओ, देखे मेरे को। 50 पैसों का अनुपात कितना है, 4:1 है। बात समझ में आ गई। एक का मान कितना है, एक का मान कितना है, एक अनुपात का मान 12 है, तो 4 का कितना हो जाएगा, 12 को गुणा करेंगे 4 से, तो कितना हो जाएगा, 48। तो ये संख्या ये किसकी आई है, ये 50 पैसे के जो सिक्के हैं उनकी संख्या ही है। बात समझ में आ गई। जो 50 पैसे हैं उनके सिक्कों की संख्या कितनी आ गई, 48 आ गई। अगर आपसे पूछ लिया जाए 1 रुपये के सिक्के, तो 1 के कितने होंगे, आप लोग आंसर बताओ, देखें मेरे को। 25 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं, 60 हैं, और जो 50 पैसे हैं उनके कुल कितने सिक्के हैं, 48 है। तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, सोल्व करने की जरूरत ही नहीं। कुल सिक्के कितने हैं, देखो 132 सिक्के हैं। कुल सिक्कों की संख्या की बात करें तो कुल कितनी है, 132 है। कुल सिक्के कितने हैं, 132 है। इसमें से देखो 60 सिक्के किसके हो गए, 25 पैसे के, और 44 कितने हैं, 48 सिक्के किसके हो गए, 50 पैसे के सिक्के। तो बाकी बचे वो किसके हो गए, 1 रुपये के। और अगर वैसे आप निकालना चाहो तो वैसे भी निकाल सकते हो। बात समझ में आ गई। देखो एक अनुपात का मान कितना है, एक अनुपात का मान आपको कितना दे रखा है, एक अनुपात का मान कितना है अपने पास, 12 आया। एक अनुपात का मान कितना आ गया, 12 आ गया, और जो 1 रुपये है उसका अनुपात कितना है, 2। एक का मान कितना है, 12, तो 2 का कितना हो जाएगा, 12 × 2 बराबर कितना हो गया, 24 हो गया। तो 1 रुपये कितने सिक्के होंगे, 24 सिक्के होंगे। बात समझ में आ गई। 25 पैसे के 60 सिक्के हो गए, 50 पैसे के सिक्के वो कितने हो गए, 48 हो गए, और जो बात करें अपन 1 रुपये के सिक्के वो कितने हो गए, 24 हो गए। बात समझ में आ गई। चलो टोटल करके देखते हैं, देखिए 132 आ रहा है क्या, तो कितना हो गए, 60, 48, और वो कितने हैं 1 रुपये के, 24 है। तो 8×4 कितने हो गए, 12 हो गए, हाथ की 1 लगी, 6×4 = 10 = 12, और 1 कितने हो गए, 13। तो देखो टोटल सिक्के कितने हो गए, 132 हो गए। बात समझ में आ गई। तो इसमें से आपको कोई भी पूछ लिया जाए, जैसे 50 पैसे, 25 पैसे या 1 रुपये, तो आप आसानी से निकाल पाओगे इसको। बात समझ में आ गई होगी किस प्रकार से किया। तो चलो आप लोग नोट डाउन करने की कोशिश करो इसको, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। देखो भाई क्वेश्चन बहुत ईजी है, आप लोग साथ साथ में क्या सोल्व किया करो इसको, जिससे क्या आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। चलो भाई अगला क्वेश्चन आपको ही सोल्व करना है, इसको नोट डाउन करो पहले आप लोग, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। चलो भाई अगला क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो। थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। एक बैग है उसके अंदर x सिक्के हैं, अपने को पता नहीं कितने सिक्के हैं उस बैग के अंदर, क्या है x सिक्के हैं जो 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपए के। एक बैग है उसके अंदर x सिक्के हैं जो 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपए के हैं। सिक्कों का जो अनुपात है 3:2:5 है। जो सिक्के हैं उनका अनुपात कितना है, 3:2:5 है, और जो सिक्के हैं वो एक रुपये के जो सिक्के हैं उनकी संख्या कितनी है, 35 है। तो x का मान ज्ञात करो। बात समझ में आ गई।
एक बैग है, उसके अंदर एक सिक्के हैं। सिक्के हैं जो 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपए के हैं। सिक्कों का जो अनुपात है वो 3:2:5 है, और 1 रुपए के सिक्के हैं उनकी संख्या कितनी है? 35 है। तो एक्स का मान ज्ञात करो। आपको क्या पूछा? कुल सिक्कों की संख्या पूछी है। देखो क्या दे रखा है आपको, 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपए। इनका अनुपात कितना दे रखा है आपको? 3:2:5 दे रखा है। इनका जो अनुपात है वो कितना है? 3:2:5 है। बात समझ में आ गई? सिक्के किसके हैं? 25 पैसे के हैं, 50 पैसे के हैं और 1 रुपए के हैं। इनका अनुपात है 3:2:5। आपको क्या दे रखा है? जो 1 रुपए हैं उनकी संख्या कितनी दे रखी है? 35 दे रखी है। तो 5:5 का मान आपके पास कितना हो जाएगा? 5:5 बराबर आपको संख्या कितनी दे रखी है? 35 दे रखी है। तो 1:1 बराबर कितना हो जाएगा? 1:1 का मान कितना हो जाएगा? 35 में अपन भाग दें किसका? 5 का। तो 1:1 बराबर क्या हो गया? 7 हो गया। बात समझ में आ गई? अब आपको क्या पूछी है? कुल सिक्कों की संख्या। तो कुल अनुपात आपके पास कितना है? कुल अनुपात कितना बताओ मेरे को? अनुपात का क्या करेंगे? योग। कुल अनुपात आपके पास कितना हो जाएगा? 3+2+5 बराबर कितना होगा? 10 हो गया। 1 का मान अगर कितना? 7 है। तो 10 का मान कितना हो जाएगा? 1:1 का मान आपके पास कितना? 7 है। तो 10:1 का मान कितना हो जाएगा? 7×10 बराबर कितना हो गया? 70। तो x बराबर कितना हो गया? 70 हो गया। बात समझ में आ गई? आंसर कितना हो जाएगा आपका? 17। बात समझ में आ गई होगी? आंसर कितना होगा? 70 हो गया आपका। क्वेश्चन देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। एक बैग के अंदर एक सिक्के हैं, जो सिक्के हैं वो 25 पैसे के हैं, 50 पैसे के हैं और 1 रुपए के हैं। इनका जो अनुपात है वो दे रखा है 3:2:5 है, और जो 1 रुपए हैं उनके सिक्कों की संख्या वो कितनी है? 35 है। तो एक्स का मान ज्ञात करो। आपको जो सिक्कों की कुल संख्या वो ज्ञात करनी है। तो 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपए, इनका अनुपात लिख लिया अपने 3:2:5। कुल अनुपात कितना हो गया आपके पास? 10 हो गया। कुल अनुपात कितना हो गया? 10 हो गया। अब 5:1 का मान अगर आपको दे रखा है, 35 दे रखा है, तो 10:1 का मान कितना हो जाएगा? आपको कुल संख्या की सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। तो 10:1 का मान सीधा सीधा इसका क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ये करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। और ऐसे नहीं समझ में आए तो देखो इससे आप क्या निकालोगे? 1:1 का मान। 1:1 का मान कितना आ गया आपके पास? 7 आ गया। 1:1 का मान कितना आ गया? 7 आ गया। तो 10:1 का मान कितना हो जाएगा? 7 को गुणा करोगे 10 से, तो कितना हो गया? 70 हो गया। बात समझ में आ गई? तो चलो भाई करो इसको नोट डाउन। क्वेश्चन बहुत ईजी है, आप लोग साथ साथ में इसको सोल्व किया करो भाई। जो भी क्वेश्चन आपको सोल्व करने के लिए बोला जाए उसको सोल्व करने की कोशिश किया करो। चलो तो करो इसको नोट डाउन। आज के लिए इतना ही, बाकी चर्चा करते हैं अपन कल। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो आपके समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने जो मित्र हैं उनको भी शेयर कर दें। धन्यवाद।